हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग सब? और ये दोस्तों, बस नीचे का काम करके पूजा पाठ और ऊपर अपने कबूतरों को दाना डालने और सूर्य देवता को जल चढ़ा के और फिर सीधा नीचे का किचन का रूटीन है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो आज हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी, और ये मैं कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। मटर पनीर का मसाला हम फ्राई करके और फिर उसे ग्राइंड करके फिर हम बनाएंगे आज। और ये मैंने अपना प्याज, टमाटर और लहसुन वगैरह जो भी मसाले मैं इसमें डालूंगी वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब उनको पीस के और फिर जीरा डाल के और मसाले को फिर भूनेंगे। ये मेरा मसाला पिस गया है और ठंडा होने के बाद में मैंने अपना भूनना स्टार्ट किया। और बस अब इसमें हम थोड़ी सी मटर ऐड कर देंगे। मटर मैंने भिगो के रख दी थी, और जब तक मटर पकेगी तब तक पनीर वगैरह मैंने अपना कट कर लिया है, तो उसमें फिर हम अपना पनीर को भी अच्छे से भून लेंगे। और इसी बीच में मैं अपना आटा भी लगाऊंगी, हरा धनिया भी कट कर लूँगी, क्योंकि मसाले को थोड़ा भूनने में टाइम लगता है। और ये मटर मेरे मसाले के साथ अच्छे से भून जाएगी। और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मसाले डाले नहीं हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर और बस हल्दी, नमक, मिर्ची, जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले हैं। और मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी कम रखूँगी, क्योंकि बच्चों को कुछ इस तरीके से ही अपना पसंद आती है, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी। और ये मेरी सब्ज़ी बस अब तैयार हो गई है, इसको मैं अपना 5-10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तब तक हरा धनिया वगैरह मैं अपना कट करके रख ही लेती हूँ। और बस ये देखो, उबाल आ गया था। जैसे ही उबाल आता है ऊपर तेल अपना आ जाता है, तो समझो कि हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। और दोस्तों, आज मैं हम लोग मतलब जाएंगे बंगला साहिब गुरुद्वारे, और आप लोग भी कभी दिल्ली आओ तो ज़रूर घूमने, बहुत अच्छी जगह है और अलग ही जन्नत है। तो कभी भी अपना इधर अगर आप आते हो तो ज़रूर एक बार मत्था टेक के आना। हम लोगों का तो अगर उस साइड कोई अगर रूट लगता है तो हम लोग ज़रूर होके आते हैं। आज इसीलिए हम उधर जाएंगे अपना और बंगला साहब गुरुद्वारे होके आएंगे। और ये बस हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब खा पी के अपना जाएंगे सीधा गुरुद्वारे। तो इस कुछ इस तरीके से मैंने बच्चों की थाली तैयार की थी, और बस बच्चे खाएंगे फिर हम खाएंगे और फिर तैयार होके सीधा आपको मिलते हैं गुरुद्वारे के लिए। तो बस अब निकल लिए थे और ये इंडिया गेट आ गया अपना, बस अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये गुरुद्वारे में हम पहुंच गए हैं, और भीड़ इतनी थी कि बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों, अंदर ना फ़ोटो नहीं लेने देते, और अगर लेने देंगे तो मैं अंदर ज़रूर आप लोगों के दर्शन कराऊंगी। तो फ़ोटो तो उन्होंने लेने नहीं दिया, तो बस अंदर से दर्शन करके बाबा के और हम बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे मछलियाँ इतनी थी, और बस इसमें अपना थोड़ा शुद्ध होने के लिए, जैसे हम लोगों में हरिद्वार जाते हैं गंगा जल रहता है, तो इस सरोवर बोलते हैं इसे, इसका जल भी हमारे गंगा जल के बराबर ही होता है सरोवर का। तो जो भी जाते हैं लोग अपना जल के छींटे मारते हैं, और शुद्ध जल से अपना छींटे वीटे मार के और फिर अपना आते हैं। तो कहते हैं कि सारी चीज़ें शरीर की, सब कष्ट दूर हो जाते हैं, हारी बीमारी जो भी हो। सर तो जाओ तो अपना सरोवर में हाथ पैर मुंह जरूर मतलब छींटे जरूर मारना। और यहाँ पे जो लंगर मिलता है, प्रसाद मिलता है, अगर हो सके तो अपना उसमें भी सेवा ज़रूर करके आना। तो हम लोग तो पहले गए थे तो हम ज़रूर हमने सेवा करी थी, इस बार तो थोड़ा जल्दी था तो हम आ गए थे अपना, और भोग हमने लिया था। बहुत टेस्टी यहाँ का भोग होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है कि मन करता है और भी खाएं। और यहाँ जाके जो सुकून मिला,
यहाँ कछुए भी थे इसमें, पानी में, सरोवर में, और मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। तो देख के अलग ही जन्नत है, और सुकून जो मिलता है वो अलग ही है। हरे कृष्णा दोस्तों।